और आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन, और मुझे ये बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बिहार एसआई में सिलेक्शन हुआ है। बिहार पुलिस में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बने। इन 3 में 2 ट्रांसमैन और 1 ट्रांसवुमेन है। वहीं तीनों में से भागलपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई ट्रांसजेंडर दरोगा बना। मानवी ने कहा कि मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहती हूं, साथ ही गुरु रहमान सर जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ा। पिछले 10 सालों से मैं अपने घर नहीं गई हूं। हम ट्रांसजेंडर है तो हमें बहुत बार ताने सुनने को मिले, मैं उन सभी बातों को इग्नोर करती थी। नमस्कार, मैं मानवी मधु कश्यप और आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन, और मुझे ये बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बिहार एसआई में सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, अपने आदरणीय गुरु रहमान सर, रेशमा मैम और सुल्तान सर और अपने मम्मी पापा का ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं आज बहुत खुश हूँ ये मुकाम पाके, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल भरा सफर रहता है और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल भरा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सर और मम्मी पापा गार्जियन है, मुन्ना सर हैं, सब लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में रहे और हमेशा हमें हिम्मत देते रहे, तो इसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ। शिक्षाविद गुरु रहमान ने बताया कि इस बच्ची ने पहले भी कई कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए ट्राई किया, लेकिन कहीं एडमिशन नहीं मिला। कोचिंग वालों का कहना था कि माहौल खराब हो जाएगा। यह पढ़ने में काफी अच्छी थी। आज मुझे रिजल्ट आने के बाद लग रहा है कि हनुमान जी साक्षात उपहार के रूप में सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप के रूप में हमारे सामने है। गुरु रहमान ने कहा कि अब यह बधाई नहीं करेगी, अब यह शोषण की पात्र नहीं बनेगी, अब यह भी कलम उठाएगी। मानवी कहती है, मैं इस परीक्षा के लिए 2021 से तैयारी कर रही थी। पटना आने के बाद गुरु रहमान सर से मिली, मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूं और पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहती हूं, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग है जहां आप पब्लिक के बीच रहकर काम कर सकते हैं। मेरा सपना यहीं खत्म नहीं होता, मेरा सपना है कि मैं UPSC क्लियर करूं और एक IAS अधिकारी बनूं। मानवी मधु कश्यप की सफलता पर शिक्षाविद गुरु रहमान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इसके पापा कहते थे, या तो हमें मार दो या तुम मर जाओ। शुरू में जब यह पटना आई तो इसे घर घर भेज कर बधाई करवाई जाती थी, गलत काम करवाया जाता था। तमाम तरह की पड़ताड़ना सहन करने के बाद यह बच्ची मेरे पास आई। भागलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी तब हैरान रह गए जब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सांप को लेकर अस्पताल में पहुंच गया। अस्पताल पहुंचते ही उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, इसी सांप ने मेरी पत्नी को काटा है, प्लीज बचा लीजिए। डॉक्टर ने पहले तो सांप को दूर रखने को कहा, फिर महिला का इलाज करना शुरू किया। दरअसल यह मामला भागलपुर जिले के सबौर इलाके के झरखुरिया गाँव का है, जहाँ 29 साल की महिला निशा अपने घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। इसी बीच सांप ने उसे काट लिया। सांप काटने के बाद निशा ने घर के लोगों को आवाज दिया। घर के लोग जब उस कमरे में पहुंचे तो निशा ने बताया कि सांप कमरे में ही मौजूद था। निशा के पति राहुल ने जब कमरे में रखे भगवान की तस्वीर को खिसकाया तो सांप पीछे छिपा हुआ मिला। राहुल ने सांप को डंडे से उठाकर एक बाल्टी में रख दिया। तब तक निशा बेहोश होने लगी। घबराए राहुल ने पत्नी निशा को अपनी बाइक पर बिठाया, बाइक के हैंडल में वो बाल्टी लटका लिया जिसमें सांप को रखा था। बाइक से पत्नी को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंच गए। राहुल कुमार अपनी पत्नी निशा और बाल्टी में सांप को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया। उसने कहा, इसी सांप ने इसकी पत्नी को काटा है। डॉक्टर ने सबसे पहले निशा को स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज के लिए इमरजेंसी में भेजा। इधर सांप देखने के लिए अस्पताल में मौजूद लोगों की भीड़ लग गई। डॉक्टर ने बताया कि यह संकरा प्रजाति का सांप है। सांप की प्रजाति से उसके विष का आकलन कर डॉक्टरों ने निशा का इलाज शुरू कर दिया है। जहर का प्रभाव कम करने के लिए दवा दिया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि निशा की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है, हालांकि सांप को भी अस्पताल में ही रखा गया है। भागलपुर के नवछिया के खरीक प्रखंड के सिंहकुंड गांव में कोसी नदी भीषण कहर बरपा रही है। एक दर्जन से अधिक मकान कोसी नदी में समा गए। देखते देखते पक्का मकान कोसी में समा जा रहा है। कोसी के कहर का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पक्का मकान ताश के पत्तों की तरह भड़भड़ा कर कोसी नदी में समा गया। तस्वीर देख लोग डरे सहमे हैं। बीते 20 दिनों से भीषण कटाव हो रहा है। कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि देखते ही देखते एक सप्ताह में 8 लोगों का घर नदी में समा गया। 15 लोगों का घर कोसी के मुहाने पर है, जो कभी भी कटाव की भेंट चढ़ सकता है। कटाव की रफ्तार को देख नदी किनारे बसे लोग अपने घर को खुद तोड़ सामान के साथ पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग घर को छोड़ सुरक्षित जगह पर चले गए हैं।
भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत सनौली पंचायत बढ़िया गांव में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग की लपटें इतनी भयावह थी कि ग्रामीणों की कोशिश सफल नहीं हुई और 5 घरों को आग ने अपने आगोश में ले लिया। वहीं घटनास्थल से ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग को जानकारी दी। अग्निशमन गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तब तक सभी घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के अनुसार खाना बनाने के दौरान यह घटना घटी। आपको बता दें कि 14 जुलाई को लड़की की शादी होनी थी। शादी का सारा सामान, जेवर, गहना और कपड़ा के साथ साथ शादी का सारा सामान आग में विलीन हो गया। वहीं पीड़ित परिवार इस आगजनी की घटना से सदमे में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार, सनौली पंचायत मुखिया मोहम्मद मरगूब घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। पूरा जल गया, निकालने मेरा जल गया, ये सब खाना बना रहा था सर। इससे लगा हम भी नहीं कि घर में हम जब चीची होने लगा, घर जलने लगा तो हम भी आए, तो जितने आग लगा हुआ है हम भी घर जे सब आदमी दौड़ा, मर कुछ भी नहीं बचा सका सर। देखिए अग्नि गाड़ी दो गो आया तो छोटा वाला सर, और सब मिलजुल के जैसे हुआ बुताया करा सर। क्या क्या जला आपका, क्या क्या जला? कुछ नहीं बचा सर, पूरा घर का सारा सामान, सारा सामान। देखिए मेरा भतीजी का शादी था सर, गैस लगले वहाँ, यहाँ अभी गैस फूटल सब लहरी कदम देती। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के गोपालपुर में रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध स्थिति में नगर निगम के एक सफाई कर्मी का शव मिला। उसके सिर और सीने के दोनों ओर गहरे जख्म के निशान थे। परिजनों ने गांव के कुछ युवकों पर पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। मरने वाले की पहचान गोपालपुर हवाई अड्डा निवासी बाबूलाल, पिता शिवू चुनिहार के रूप में हुई है। रेलवे ट्रैक के पास शव देखा तो 0 माइल थाना की पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। तब तक मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि सोमवार की शाम वह घर से मोबाइल ठीक कराने के लिए माँ बेबी देवी से 1500 लेकर निकला था। देर रात जब घर नहीं लौटा तो हम लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, कहीं पता नहीं चला। मोबाइल से भी संपर्क नहीं हो सका। हम लोगों ने सोचा कि वो नाइट शिफ्ट में काम पर चला गया होगा। सुबह स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि रेलवे ट्रैक के पास एक शव पड़ा है। जहां पहुंचे तो देखा कि वो मेरा बेटा ही था। पिता ने कहा कि उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। उसके सर पर किसी भारी हथियार से हमला किया गया है। घर घुसी का धमकी दे ले की तेरा बेटा मारी के लेनी सुताई देबो।
कोई कुछ चमारा ना करे पर अशोक जरवर बेटन गनुओ न मारी के दैत बोल नहीं मैं कोई चमारा कुछ ना करे पर मैं सातम छे विकास सातम छे छटुआ मिथलेश्वा इन सातों में मिल जाए कमरा बेटा सब न मिली मारी दल जाए कोई यो दुश्मनी ना ले झगड़ा रहा हो ले छोरा से अच्छा मारपीट कर ले ले तब मक निकल जाए कि ना मारपीट करें यारे तो तेरा बेटा न हमरा हमरा झगड़ा करे जो तेरा बेटा को मार बुके चेक कि ना झगड़ा करे जो तो बल जबरी हमरा बेटा से कभी झगड़ा करे जाए हमरा बेटा किरा झगड़ा करे हमरा बेटा यही नगर निगम कमाए ले लड़का लड़के झगड़ा चले तो लड़का लड़के झगड़ा ले तो दोनों सोल पेन करी दे भागलपुर के समीक्षा भवन में भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी डीएसपी एसडीपीओ एवं थानेदार के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसएसपी आनंद कुमार ने सभी पदाधिकारियों को पिछले दिए हुए टास्क का ब्यौरा मांगा और जो वैसे पदाधिकारी टास्क को पूरा नहीं किए थे उनसे सवाल जवाब भी तलब किया गया। आज के इस बैठक में आगामी त्योहार मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। एसएसपी आनंद कुमार ने नाथनगर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने स्टेशन डायरी प्राथमिक पंजी अनुसंधान पंजी आगंतुक पंजी सहित अन्य पंजियों का अवलोकन किया। वहीं अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण हेतु गश्ती व थाना क्षेत्र में कार्यरत 112 टीम पर विशेष ध्यान देने हेतु थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह को निर्देश दिया। थाना अध्यक्ष समेत सभी अनुसंधानकर्ताओं को लंबित गिरफ्तारी और कांड का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। साथ ही विगत 1 जुलाई से जो नए कानून लागू किए गए हैं उसमें विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। सबसे पूर्ण चर्चा नाथनगर थाने की जर्जर इमारत को लेकर हुई। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी ने कहा कि थाने की इमारत को लेकर इसका प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। जल्द ही नाथनगर थाना को नई इमारत मिलने वाली है। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक नगर 2 अंचल निरीक्षक और अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। अभी नाथनगर में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की गई जिसमें हमारे डीपीओ साहब हैं, सब थाना अध्यक्ष हैं और भी जितने पदाधिकारी यहाँ पे पदस्थापित हैं और जो कांडों की विशेष तौर पर समीक्षा की गई और जो नए 3 लॉज 1 जुलाई से लागू हुए हैं उसमें क्या अड़चने आ रही हैं, क्या परेशानी आ रही हैं उसके विषय में डिस्कशन हुआ। इसके साथ ही साथ जो CCTNS के माध्यम से काम किया जाना है उस पर भी चर्चा हुई और बहुत सारे जो पदाधिकारी थे उनको CCTNS के बारे में ब्रीफ भी किया गया जिसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और इसकी समीक्षा पुनः 1 सप्ताह बाद मुख्यालय में प्रस्ताव G+6 बिल्डिंग का भेजा गया है जिसमें कि थाना भवन के साथ साथ उसमें बैरक्स और पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे और यहाँ जितनी बिल्डिंग्स हैं सभी को डिमोलिश करके उसके ऊपर इसको बनाया जाएगा और जब वो कार्य प्रारंभ होगा उसके पहले थाने को वैकल्पिक जगह पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर 1 या 2 साल तक ये थाना चलेगा और जब नया भवन बन जाएगा तो शिफ्ट